नमस्कार, चराहट के हिंदी में आपका स्वागत करते हैं। 4 अप्रैल दिन है, उगया है शनिवार का। आज शनिदेव का दिन है। आइए जान लेते हैं, यदि आप आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने की सोचते हैं तो आपको कौन से समय में करने चाहिए ताकि वे सफल हो जाएं। तो आइए जान लेते हैं 4 अप्रैल 2020 का पंचांग। आज सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 6:41 पर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि चल रही है, जो रात 10:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है, जो कि शाम 5:09 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लगेगा। योग धृति योग है, जो सुबह 10:21 तक है। उसके बाद शूल योग है। करण वणिज करण 11:49 तक सुबह। उसके बाद विष्टिकरण लगेगा, जो कि रात 10:30 तक रहेगा। शनिवार का दिन चल रहा है शक संवत 1942 सरवरी और विक्रम संवत 2077 प्रमाथी चल रही है। सूर्य राशि मीन है, वहीं चंद्र राशि कर्क राशि है। सूर्य नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। आइए अब जान लेते हैं आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज का सबसे पहले जानते हैं अभिजीत मुहूर्त। यदि हम कोई भी शुभ कार्य करने की सोचते हैं तो उसे अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में किए गए कार्य जरूर सफल होता है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:59 से शुरू होकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। वहीं अमृतकाल 3:39 से शाम 5:09 तक रहेगा। आज रवि योग सुबह 6:07 से शाम को 5:09 तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 6:28 से शाम 6:52 तक। तो ये थे आज के शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं आज के अशुभ मुहूर्त यानी राहुकाल का समय। आज राहुकाल जो लग रहा है वह सुबह 9:16 से सुबह के 10:50 तक है। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना इस समय बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं होता। यदि आप इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी अड़चने आ जाती हैं, इसलिए राहु काल में कोई भी हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। वहीं आज गुलिक काल जो लग रहा है वह सुबह 6:07 से सुबह के 7:42 तक रहेगा। तो ये था गुलिक काल का समय। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले जान सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।